आज मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो मटर आलू से हम ऐसे बनाएंगे और ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी। आप लोग एक बार ऐसे बना कर खाइए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोग ऐसे खाते रह जाएंगे और जिसे कभी खिलाओ उसका वो दीवाना हो जाएगी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। एवरीवन नमस्कार, मामीज किचन में आप लोग बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में एक कप मैदा लेंगे, फिर इसमें हम चुटकी भर नमक डालकर अच्छा से मिला लेंगे। अभी हमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं, इसमें हमें 2 टेबलस्पून घी थोड़े मेल्ट करके इसमें डाल लेंगे। आप ऑयल डालते तो ऐसे डायरेक्ट भी डालकर ऐसे हम अच्छा से मैदा के साथ मिला लेंगे। तब तक मिलाए जब तक ये हाथ से थोड़ी मुट्ठी बनाओगे तो मुट्ठी बन जाता है। देखिए ऐसे हमारा मुट्ठी आना चाहिए, हमारा अभी मुट्ठी बनकर रेडी हो गई। इसे अभी हमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर, हमें ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे कि ज़्यादा कड़क डो नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए ऐसे हमको डो बनाना है, फिर इसे हम ढककर 2 सेकंड के लिए साइड में छोड़ देंगे। तब तक दो हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ता, 4 से 5 कलियाँ लहसुन, इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसे भी हमें साइड में रख कर आइए गैस ऑन कर लेंगे। फिर हमें एक पैन गरम कर लेंगे। अभी हमें 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे भी हमें थोड़ी गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा थोड़ी गरम हो चुकी, फिर हमें थोड़ी सी जीरा इसमें डालें, फिर हमें थोड़ी सी सौंफ इसमें डाल लेंगे, अच्छा फ्लेवर आएगी। अभी हम एक बड़ा सा प्याज बारीक बारीक कर काट लेंगे, उसे भी हम डाल लेंगे। इसे हम मीडियम आंच पे हमें थोड़ी टाइम इसे फ्राई करेंगे, जब तक थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर हमें 1/4 टीस्पून अदरक पेस्ट और हमें एक हरी मिर्च काट कर इसे भी हम थोड़ा भून लेंगे। अभी हमें 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हमें जीरा पाउडर डालकर इसे हमें अच्छा से मिला लेंगे। इसे हमें अभी लो मीडियम आंच पे 2 सेकंड फ्राई करेंगे, जब तक हमारा मसाला थोड़ा ड्राई हो जाए और अच्छा खुशबू आए तब तक ऐसे हमें फ्राई करेंगे। फिर हमें 2 उबला हुआ आलू, इसका हमें जो छिलका हटा कर ली, इसे भी हम डालकर ऐसे मैश कर लेंगे। ज़्यादा इसे मिक्स ना करें, इसे हम एक एक बार मैच कर लेंगे। फिर हमें मुट्ठी भर कर जो ग्रीन मटर लेंगे, आपको ज़्यादा मटर चाहिए तो आप ऐसे डालकर मिला लें। फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। आप मैंने ये मटर थोड़ी सी 2 मिनट के लिए गर्म पानी में इसे उबाल ली थी, आप चाहिए तो इसे कच्चा भी डाल सकते। फिर हमें सारे चीज़ों को मसाला का साथ अच्छा से मिला लेंगे। फिर हमें जो हरी मिर्च, धनिया पत्ते और 4 लहसुन को लिया, इसे हम दरदरा पीस ली थी, उसे भी डालकर हमें अच्छा से मिला लेंगे। और गैस अभी हमें ऑफ कर लेंगे। देखिए हमारा जो स्टफिंग बनकर अभी रेडी हो गया, इसे हमें ठंडे होने देंगे। फिर आइए एक छोटा सा बाउल में हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसमें अभी हमें 3 टेबलस्पून हमें वेजिटेबल ऑयल डाल कर लेंगे। आप चाहे भी बटर से भी इसे बना सकते, घी पे भी बना सकते। हमें इसमें 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे हमें अच्छा से मिला लेंगे। अभी देखिए हमारा घोल बनकर रेडी हो चुके, इसे हम साइड में रख लेंगे और हम जो डो बनाए थे वो डो हम निकाल लेंगे। डो फिर हमें हाथ से और थोड़ी टाइम इसे गूंथ लेंगे। इसे हम एक शानदार डो, चिकना डो बना लेंगे। फिर हमें
एक डो को दो डो बना लेंगे, आधा आधा हमें एक चाकू से। फिर हमें एक डो लेंगे, इसको हमें थोड़ा लंबा शेप में बेल लेंगे, और थोड़ी लंबा हो जाए तो फिर इसमें हमें आड़ा बल लेंगे। इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे और ज़्यादा भी पतला नहीं बनाएंगे। ऐसे हम मैदा को जितना हम फैलाएंगे उतना ही फैल जाएगी। ये देखिए, ऐसे हम आड़ा में भी थोड़ा बेल लेंगे, और जितना लंबाई में बेलोगे उतना अच्छा बनता है। फिर हमें इसे बेल ली, और हमें जो घोल बनाए थे, अभी हमें जो घोल बनाए थे उसका ऊपर डालकर अच्छा से मिला लेंगे। फिर हमें ऐसे रोल बनाते रहेंगे, और हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाकर हमें एक अच्छा से रोल बना लेंगे। फिर हमें थोड़ी सी मैदा इसका ऊपर छिटका लेंगे, और हमें फिर इसे भी हमें वापस इसे बेल लेंगे लंबाई में, और थोड़ी लंबा बन जाए तो फिर हमें इसे आड़ा थोड़ी बेल लेंगे। वापस हमें वही जो घोल बनाए थे उसको भी डालकर ऐसे हाथ से हमें फैला लेंगे, और अच्छा से हमें जो हमें रोल का ऊपर अच्छा से मिलाकर ऐसे हम रोल बना लेंगे। अभी देखिए, थोड़ा थोड़ा दबाकर ऐसे हम अच्छा टाइट रोल बनाकर इसे हम साइड में थोड़ी थोड़ी काट कर निकाल लेंगे, और जो बाकी हमें चार पीसेस में हमें गोल गोल इसे बॉल बॉल नहीं हमें शेप डाल लेंगे। देखिए, अभी वापस हमारा पास और जो बाकी एक डो था इसे हम भी वही प्रोसेस से बना लेंगे। पहले हमें लंबाई शेप में बेल लेंगे, और फिर आड़ा से इसे हम बेल लेंगे, और हमें जो घोल बनाए थे उसे भी हम डालकर अच्छा से उसका ऊपर लगा लेंगे। फिर हमें इसको थोड़े रोल बनाकर इसे दबा दबा कर अच्छा से रोल बनाकर फिर हमें वापस रिपीट कर लेंगे। मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों को आसानी होगा, और आपका जो क्रंची और क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगी। और मैंने वो जो शेप डालूँगी आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। देखिए, हमें इसे चार वो बनाए थे, चार ये बनाए, आठ बना कर रेडी कर दी। इसे हम बेल लेंगे। देखिए, हमारा आठ सर्कल जैसे हमारा सारे शानदार शेप में बनकर रेडी हो गए। इसे हम थोड़ी सी मैदा डालकर इसे हम बेल लेंगे। देखिए, जैसे हम पूड़ी बेलते, फिर हमें इसका जो कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी शेप डाल लेंगे, स्क्वायर शेप में हमें इसे काट लेंगे, और हमें इसे जो हम तल लेते जिससे निकाल लेते उसे हम लेंगे, और उसका ऊपर इसे हम थोड़ा हाथ से प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे। फिर हमें उसको अंदर साइड में रख कर जो हम स्टफिंग डाले थे उसे डालकर साइड में थोड़ी थोड़ी पानी लगा लेंगे। फिर देखिए, अभी हमें ऐसे शेप डाल देंगे तो वो कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, वो कॉर्नर ऐसे अच्छा से सेट हो जाते हैं। देखिए कितना शानदार और फटाफट बनकर रेडी हो गया हमारा जो क्रिस्पी नाश्ता। ऐसे हम और एक बनाती हूँ। देखिए, मैं जैसे बनाती हूँ आप लोग ऐसे बनाओगे तो झटपट बनकर रेडी हो जाएगी। फिर हमें पहले ये छः पीस बनाकर रेडी कर दी, और बाकी जो बच्चे हम बाद में ऐसे बनाएंगे। फिर हमें एक कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल लो मीडियम आंच पे इसे हम गरम कर लेंगे, और ऑयल जो भी गरम हो जाए इसे हम लो मीडियम आंच पे तल लेंगे। एक में पहले डालकर दिखाती हूँ। देखिए, ये अच्छा से बन गया, तो अभी हमें सारे चार पाँच पीस हम डाल लेंगे। इसे हमें लो मीडियम आंच पे उल्टे पलटे करते हुए इसे हम तल लेंगे। देखिए, हमारा ये जो स्क्वायर वाले बनकर रेडी हो गए। फिर हमें और दूसरा शेप में बना लेंगे, और जो बाकी था हमें इसे सांख का शेप बना लेंगे। देखिए, हम पूरी जैसे बना लेंगे,
बेल लेंगे, फिर हमें इसका ऊपर रखकर इस एक साइड में हम स्टफिंग डाल लेंगे, फिर थोड़ी पानी लगाकर हमें दूसरा तरफ इसे चिपका लेंगे तो आसानी से हमारा शेप बन जाएगी। देखिए इसे हम दबा लेंगे हाथ से पहले, फिर हमें थोड़ी सी साइड में स्टफिंग डालकर ऐसे पानी लगाकर हमें दूसरा साइड चिपका लेंगे। देखिए जैसे समुद्र में हमें दिखाई देता है, इससे हमारा बनकर रेडी हो गई। हमें ऐसे शेप में 4-5 बना ली, फिर हमें उसे भी लो मीडियम आंच पे इसे हमें भी तल लेंगे। देखिए हमारा जो नाश्ता गोल्डन हो चुकी, इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। अभी देखिए कितना क्रंची बनी। आइए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे, और इसे कोई भी चटनी का साथ सर्व कर सकते। एक कप मैदा से हमें कितने सारे नाश्ता बनाकर रेडी कर दी। आप लोग ऐसे बनाकर एक बार खाएंगे तो आप बाजार से भी कोई भी ऐसे नाश्ता मंगाने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि ना ये है भी इतना टेस्टी और क्रिस्पी। और आप लोग एक खाओगे तो इतने खाते रह जाओगे। फिर हमें इसे तोड़कर एक दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी, और देखिए इसका आवाज़ सुन रहे। फिर मैंने एक तोड़ रही हूँ तो देखिए इसका जो अंदर कलर और इसका जो फ्लेवर, इसे अब एक बाइट मुंह में लोगी तो सरप्राइज हो जाओगी, ये इतना ही टेस्टी। हमें इसे कोई बाहर का पाउडर इसमें यूज नहीं की, हम घर पे सामान्य से बनाएंगे, और देसी रेसिपी। आप लोग इसे बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग मेरी रेसिपी कैसे लगी? अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।